साथियों, छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा, कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्य उपासना का यह पर्व अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है, ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में मनाया जाता है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह त्यौहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो रहा है। छठ पूजा सूर्य और उगते सूर्य, डूबते सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद और कुछ शुभकामनाएं देने का अनुरोध किया जाए। इसलिए इस छठ को पर्व को मनाया जाता है। इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, ये एक तरह से प्रकृति की पूजा है, सूर्य की पूजा है, जल की पूजा है, धरती की पूजा है। इस त्यौहार के अनुष्ठान काफ़ी कठोर हैं। 4 दिनों की अवधि तक चलने वाला ये त्यौहार पर्व, इसमें पवित्र स्नान, उपवास, पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़े रहना और प्रसाद प्रार्थना। बताया जाता है कि देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव, आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहा जाता है कि उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हो गया। अगर छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन भी होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं। इस कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्व पालन से सूर्य प्रकाश पराबैंगनी किरणें, जो कि हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा करती हैं, पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। यह पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के 3रे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती जो है वो दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 6 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। 3रे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्ध यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्ध चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। अब धीरे धीरे यह पर्व
भारत के कोने कोने में मनाया जाता है और बाहर विदेशों तक भी यह अब फैल चुका है, क्योंकि भारतीय खासकर उत्तर भारत के बिहार के लोग काफ़ी मात्रा में रहते हैं बाहर, तो इसलिए वो भी मनाते हैं छठ मैया की जय।